नमस्कार दोस्तों, अपनी नई फिल्म जोगीरा सारा रा 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 के प्रमोशन के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी और निकी तंबोली पहुंचे हैं लखनऊ। यूं तो लखनऊ में वो कई जगह पर गए, लेकिन हमने जहां उनसे इंटरेक्शन किया, बातचीत की, वो जगह है पीएसजे ज्वेलर्स यानी फन मॉल के पास में। दोस्तों, नवाज चुकी राजधानी लखनऊ में इन्होंने भारतेंदु अकेडमी में पढ़ाई पढ़ी, लखनऊ 2 साल से ज्यादा समय बिताया, तो इनके चाहने वाले भी बहुत हैं। तो पीएसजे ज्वेलर्स में भी काफी भीड़ भाड़ थी और इस बीच में उनसे बातचीत करना, वीडियो शूट करना अपने आप में भी एक चैलेंज था। तो आइए देखते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी नई फिल्म जोगीरा सारा रा 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 को लेकर क्या कहा। मजा आएगा, दो घंटे की फिल्म है, 2 घंटे में आप हंसते से लौट पोट जाएंगे। और आप बीवी बच्चों बहन भाई सबके साथ बैठ के देख सकते हो सबको। ऐसी फिल्म है, कोई भी डबल मीनिंग जोक नहीं है। हंसाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट इसमें एक कायदे की कॉमेडी है। आप जाएं और आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। और लोग जो हमारे पास फीडबैक भी आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, लोगों को स्पेशली लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसमें यंग जनरेशन आती है तो बहुत सारी अपनी चीज़ें लेके आती है ना। और मैं भी यंग ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं रिटायर मत कीजिए, अभी बहुत काम करना है मुझे। तो हाँ, ये एक अच्छी बात होती है, यंग एक्टर आते हैं, मतलब जो नए नए एक्टर आते हैं उनके साथ काम करने से क्या होता है, उनकी सोच का पता चलता है और वो अलग एक वर्ल्ड लेके आते हैं, उससे हमें नॉलेज बढ़ती है। क्योंकि वो हम उनके साथ काम करते हैं तो हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल रहें, ऑनेस्ट रहें, क्योंकि परफॉर्मेंस में वही सबसे ज़्यादा चीज़ जो है लोगों को भाती। मैंने इसको, अगर आप फिल्म देखेंगे, इस फिल्म में हर पल आपको मज़ा आएगा। और उसी तरीके से हमने की भी है फिल्म, क्योंकि जब हम लोग कर रहे थे तो पूरी मूवी में जो है माहौल एक बहुत अच्छा था। और माहौल जो अच्छा होता है तो सभी कॉमेडी हो सकती है, अगर टेंस रखेंगे माहौल तो कॉमेडी नहीं हो पाएगी। और ऊपर से नईम भाई की सरपरस्ती में एक पूरी फिल्म बनी। आज तक भी कोई भी किसी भी एक्टर को, चाहे टेक्नीशियन हो, किसी को शिकायत नहीं, सब खुश रहे। और इनकी जो हिम्मत है वो वाकई काबिल तारीफ है। और मैं तो चाहता हूँ कि आगे भी ये काम करें। ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश में हम तो हजारों कैरेक्टर हैं, अभी तो शुरुआत है। अभी ये कह के सीनियर एक्टर कह के मैं चिंता थोड़ा नहीं बैठा, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है। जो भी काम करवाना हम कर देंगे, 100 का बजट होगा, 90 में करते, 5 आपकी जेब में जाएंगे, 5 हम रख देंगे। तो नवाजे नवाजे नवाजे, क्या इस फिल्म के जरिए आप ये मैसेज दे रहे हैं कि प्यार में भी अब जुगाड़ चलने वाला है? देखिए क्या होता है, प्यार में जुगाड़ तो नहीं होता, अगर प्यार नहीं मिल रहा है तो जुगाड़ करके प्यार पालो किसी का, लेकिन पालो वो जरूरी। प्यार आज की डेट में बहुत कम हो रहा है। मैं चाहता हूँ इश्क होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए और पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए दुनिया में।